हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रंस रूल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जो है LiLH4 के बारे में डिस्कस किया, क्या किस प्रकार से वो रिएक्शंस करता है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है और किन किन प्रकार के कंपाउंड्स को जिनके साथ अलग अलग जो क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उन्हें किन में वो कन्वर्ट करता है, किन किन का बेसिकली वो रिडक्शन करता है, उन्हें हमने अच्छे से डिस्कस किया। उसके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमने देखे। तो पहले आपको LiLH4 का वीडियो पूरा जो है आपको देखना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे जो समझना है वो आपके लिए आसान रहे। ठीक है, देखिए क्रेम्स रूल क्या है, है ना। क्रेम्स रूल किस प्रकार के कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है उसको जरा समझते हैं। गेट और सीएसआई नेट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका क्रेम्स रूल। गेट में इससे रिपीटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, है ना। देखिए क्रेम्स रूल के लिए किस प्रकार का कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड कैसा दिखना चाहिए, है ना, कंडीशन क्या होना चाहिए उसको जरा समझ लेते हैं। कोई इस प्रकार का कंपाउंड आपका है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्बोनिल ग्रुप है और इसका रिडक्शन करवा रहा है, मान लीजिए LiAlH4, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम फैट है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है वो हमने पिछली क्लास में देखा था, जो हमने LiAlH4 का रिडक्शन वाला जो लेक्चर है वो बनाया उसमें हमने पूरा मैकेनिज्म क्या किस प्रकार से वो रिएक्शन करता है वो हमने देखा, है ना। LiAlH4 से क्या होता है बेटा, H- बाहर निकलता है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ना। हम आसानी से बता पाएंगे इस वाले कंपाउंड में कि ये कार्बोनिल ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर किसी भी स्टीरियो का कोई पंगा नहीं है। यहाँ आपको स्टीरियो को चूज नहीं करना है कि H- अबाउ द प्लेन अटैक करेगा या फिर बिलो द प्लेन अटैक करेगा। यहाँ पर सिंपल आपको एक कंपाउंड गिवन है जिसमें आपको सिंपली जो है एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो अल्फा पोजीशन या फिर बीटा पोजीशन, मान लीजिए अल्फा है फिर बीटा पोजीशन, दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे वो स्टीरियो को मेंशन कर दे, स्टीरियो को मेंशन कर दे, यानी कि मान लीजिए कोई कार्बन सेंटर बना दे यहाँ पे और ये CH3 को यहाँ पे वेज पोजीशन पे डाल दे और हाइड्रोजन को क्या कर दे, ये डेंस पोजीशन पे डाल दे। अब यहाँ पर स्टीरियो का बेटा पंगा हो जाएगा। यहाँ पर जब ये H- एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर, तो अपने को डिसाइड करना होगा कि H- बिलो द प्लेन जाएगा या फिर अबाउ द प्लेन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके क्रेम्स रूल के स्टेटमेंट देखेंगे, क्या स्टेटमेंट कहती है और किस कंडीशन में H- अबाउ द प्लेन जाएगा, किस कंडीशन में बिलो द प्लेन जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड की कंडीशन क्या होनी चाहिए जरा देख लो। कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा या बीटा पोजीशंस पे कोई कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका कायरल सेंटर, या तो अल्फा पोजीशन हो या फिर बीटा पोजीशन। ठीक है, ये क्या है आपका कायरल सेंटर, कायरल केंद्र, है ना। तो कायरल केंद्र होना चाहिए आपकी अल्फा या फिर बीटा पोजीशंस पे, पहली बात। दूसरी बात है कि अल्फा या बीटा पोजीशंस पे कायरल सेंटर है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स है, मान लीजिए CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके एटम्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है कि CH3 के प्लेस पे OH- इन्होंने दे दिया, है ना, OH दे दिया, तो ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ऐसा ग्रुप भी जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता हो, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, ऐसे ग्रुप अल्फा पोजिशन पे या फिर बीटा पोजिशन पे नहीं उपस्थित होने चाहिए, दूसरी कंडीशन। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर सर बीटा पोजीशन पे हुआ तो फिर क्या कहेंगे, यानी कि गामा पोजीशन पे, बीटा का तो अपने डिस्कस कर लिया। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी गामा पोजीशन पे क्या है आपका कायरल सेंटर है, ए होते हैं, ये क्या हो गया कायरल सेंटर। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए कायरल जो रूल है, क्रेम्स रूल, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां से अपन स्टीरियो को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे H- की, पास समझ में आ गई। और जनरली ऐसे केसेस आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ना इसकी स्टेटमेंट्स क्या क्या कहती है क्रेम्स रूल की उसको समझ लेते हैं और फिर इसको अपन एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या भैया बन सकते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना स्टीरियो का पंगा हो गया है, तो स्टीरियो की वजह से यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर कुछ ऐसा, ये है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये क्या है आपका CH3 वेज पोजिशन पे है, यहाँ पे CH3 डेस पोजिशन पे है बेटा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन डेस पोजिशन पे जा सकता है और वेज पोजिशन से भी जा सकता है ना, तो यहाँ पर दो प्रकार के पॉसिबिलिटीज हो गई कि हाइड्रोजन अगर डेस वेज पोजिशन से जाता है तो OH- ऑब्वियसली डेस पोजिशन पे रहेगा, है ना, तो OH- कहाँ चला गया डेस पोजिशन पे। और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है बेटा, कुछ ऐसा जिसमें CH3 है आपका वेज पोजिशन पे और डेस पोजिशन पे है आपके हाइड्रोजन
साथ में डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन और वेज पोजीशंस पे OH, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये अपने को सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए क्रेम्स उनकी स्टेटमेंट की अपने को जरूरत पड़ेगी, है ना, उनको जरा देख लेते हैं, समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले जो इसका ट्रिक से अपन देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में अपने को क्वेश्चंस करने हैं तो डायरेक्टली अपने को अप्लाई करना है ना, तो ट्रिक से अपन देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तब करें देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो आपका कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड की जो अल्फा या फिर बीटा पोजीशन पे कोई कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप पे अपने को गौर करना है ना, और गौर करने पे कार्बोनिल ग्रुप से, जिस वैलेंसी से कार्बोनिल ग्रुप है उसको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी के जो तीन वैलेंसीज है इस वाले कार्बन की, इसमें से अपने को स्मॉल मीडियम और लार्ज ग्रुप में अपने को क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका ईटी ग्रुप है जो कि बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप है सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप है, इसमें से ईटी सीएसटी और हाइड्रोजन में से सबसे बल्कि कौन सा, ईटी ग्रुप है। उसके बाद सीएसटी और हाइड्रोजन सबसे छोटा बल्कि सबसे छोटा ग्रुप है, यानी जो सबसे छोटा ग्रुप है जिसका साइज सबसे छोटा है वो क्या हो गया, स्मॉल ग्रुप हो गया, और जिसका सबसे बड़ा है वो क्या हो गया, लार्ज ग्रुप हो गया, और जो दोनों के बीच में है जिसका ना तो ज्यादा बड़ा है ना है बहुत छोटा है वो क्या हो गया, आपका मीडियम ग्रुप हो गया, है ना। तो अपन ने स्मॉल मीडियम और लार्ज ग्रुप में क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, है ना। तो यहाँ पर ना अपने को क्या करना है, इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट को लिखना जरा। स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, स्टेटमेंट कहती है कि अगर हम लार्ज ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप के सिंग में रखें, है ना, लार्ज ग्रुप सिंग टू कार्बोनिल ग्रुप बोले, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो एच माइनस जो कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, वो मीडियम ग्रुप से अटैक करेगा, यानी कि जिस भी स्टीरियो में मीडियम ग्रुप होगा उसी स्टीरियो से एच माइनस अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप, बस समझ में आ गई, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अगर अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट ना अप्लाई किया और हमने क्या किया है कि लार्ज ग्रुप को एंटी रखा है कार्बोनिल ग्रुप के, अगर हम लार्ज ग्रुप एंटी टू कार्बोनिल ग्रुप तो ऐसे कंडीशन में अपने को क्या करना है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको स्मॉल ग्रुप के साइड से अपने को टेक करवाना है, यानी कि यहाँ पर जो जिस भी स्टीरियो में स्मॉल ग्रुप होगा उसी स्टीरियो में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि एच माइनस अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप। ये दो स्टेटमेंट्स लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस मैंने आपको बताई उसको अपने अकॉर्डिंग आप जो है नोट्स बना लीजिए, ठीक है बेटा। अब ना अपन को ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, चाहे आप फर्स्ट वाले रास्ते से जाइए चाहे आप सेकेंड वाले रास्ते से जाइए, दोनों में आंसर आपको एक ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो सोल्व करते हैं बेटा, देखिए अपने को क्या करना है, LiLH पर रिडक्शन करेंगे, है ना। पहली स्टेटमेंट क्या थी कि या तो लार्ज ग्रुप को अपन सिन से रखते हैं, यानी कि सिन उसकी पोजीशन रखते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपको क्या करना है, ये है आपका CH3, और जो ET ग्रुप है जो लार्ज ग्रुप है उसको क्या करना, अपने को सिन रखना है। अभी ये वाला क्या एक दूसरे के सिन है, ये दोनों क्या बच्चों सिन है ना, और CH3 क्या है वेज पोजीशंस पे है, हाइड्रोजन्स डेज पोजीशंस पे, है ना। अब क्या करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेटमेंट क्या थी, अगर लार्ज ग्रुप को सिन रखा जाए तो मीडियम ग्रुप के स्टीरियो से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करो, है ना। मीडियम ग्रुप क्या अपना CH3 है, वेज पोजीशंस पे, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वेज पोजीशन से अटैक करेगा, ठीक है। यह है अपना LiLH4, यहाँ से निकला न्यूक्लियोफाइल H-, कहां से अटैक करेगा CH3 की स्टीरियो से, है ना, कहां से अटैक करेगा वेज पोजीशन से, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसा,
यह है आपका CH3 ET ग्रुप है, ET हाइड्रोजन और यहाँ पे है CH3, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि CH3 की स्टीरियो से अटैक करेगा हाइड्रोजन, ये बन गया आपका OH ग्रुप और साथ में है CH3। यह है आपका फाइनल प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से भी। ये तो हो गया आपका बेटा ET ग्रुप, ये वेज पोजीशंस पे है CH3, डेज पोजीशंस पे है हाइड्रोजन और CH3 प्लेन में है हाइड्रोजन OH, वेज पोजीशंस पे है और हाइड्रोजन जो है बेटा आपका डेज पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये क्या आपका मेजर। अब यहां से दोनों से मिलान करिए जरा, हाइड्रोजन जो है वेज पोजीशन पे और OH जो है डेज पोजीशन पे, यानी कि ये तो हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ऑलराइट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, फटाफट से इसको नोट करिए। इसके बाद अपन प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करना है कि अपन ने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है क्या उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर सही आएगा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आना एक ही आंसर, अलग नहीं आएगा, ठीक है, रफ कर दे इसको। चलिए अब अपन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि लार्ज ग्रुप को एंटी रखना है और स्मॉल ग्रुप से अटैक करवाना है ना, क्या कहता है अपना, जो लार्ज ग्रुप है उसे एंटी रखना है कार्बोनिल ग्रुप के, यानी कि ये जो ईटी ग्रुप है इस ईटी ग्रुप को यहाँ लेना है एंटी में, सीएस ग्रुप इधर जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप इधर जाएगा। कैसे करोगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है और जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है तो रोटेट करके अपन ईटी को यहाँ ला सकते हैं, सीएस ग्रुप को यहाँ ले जा सकते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ ला सकते हैं, सही है। क्या बनेगा देखिए, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में है CH3, कार्बन यहाँ पे है, ET को नीचे ले लिया अपन ने, हाइड्रोजन CH3 को इधर लिया है और हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लिया है ना। हाइड्रोजन अब कहाँ पे है, वेज पोजिशन पे, और CH3 कहाँ पे है, डेज पोजिशन पे, ले लो यहाँ से, नहीं तो कन्फ्यूज किया जाओगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना आसान है, पहला ही LH4 है, H- निकलेगा यहाँ से, अटैक करवा दो कहाँ से, देखिए क्योंकि अपन ने एंटी रखा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है, अब इसमें में नहीं है, लार्ज ग्रुप है, मीडियम ग्रुप है और स्मॉल ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, एंटी हो गए। अब जब एंटी हो गए तो अपने को क्या करना है, स्मॉल ग्रुप से अटैक करवा दो, स्मॉल ग्रुप की जो भी स्टीरियो रहेगी उससे अटैक करवा दो, तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन वेज पोजिशन पे है ना स्मॉल ग्रुप में, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि हाइड्रोजन H- होगा है ना, वो कहां से अटैक करेगा, वेज पोजिशन से अटैक करेगा ना, क्या बनेगा यहां से देखिए, वेज पोजिशन पे है हाइड्रोजन CH3, ये है आपका ET और वेज पोजिशन पे हाइड्रोजन चला गया, तो OH कहाँ चला गया, डेज पोजिशन पे, फिर ये आ गया आपका CH3। क्या प्रोडक्ट सिमिलर है, देखिए बना करके देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है बेटा, सिमिलर ही तो होगा ना, देखिए ये है आपका ET ग्रुप, वेज पोजिशन पे CH3 ग्रुप है आपका, इसको रोटेट करके आप फिर से वेज पोजिशन पे ला सकते हैं क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। डेज पोजिशन पे आपका हाइड्रोजन है और जो चेंज हुआ है यहाँ पे देखिए, वेज पोजिशन पे हाइड्रोजन और डेज पोजिशन पे OH, देखिए अभी भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा है आपका, ये वाला, बस समझ में आ गई। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा एक ही रहेगा आपका, सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाइए, दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए, समझ में आ गए। तो यह है आपका क्रेम्स रूल, कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार का कंपाउंड होना चाहिए, किस प्रकार का आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए, अल्फा या फिर बीटा पोजीशंस पे कायरल सेंटर होना चाहिए, बशर्ते जो कायरल सेंटर है उससे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि OH SH, इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और बात बेटा, ये जो क्रेम्स रूल है जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जहां पर रेसिमिक यानी कि जहां पर मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा और माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी कि वहां पर 100% प्योर प्रोडक्ट अपने को प्राप्त नहीं होगा, मिक्सर प्राप्त होगा, रेसिमिक मिक्सर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को रेसिमिक भी नहीं बोल सकते, 50-50% होता है रेसिमिक में, ठीक है, यहाँ पर मेजर और माइनर बनते हैं,
ठीक है, एक अधिक मात्रा में बनता है तो एक कम मात्रा में बनता है, ठीक है। और एक होता है आपका स्टीरियो स्पेसिफिक, ये तो आपका है स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है, जिसमें दो प्रोडक्ट, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, माइनर भी बनेगा और मेजर भी बनेगा। और स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है स्टीरियो सेलेक्टिव, एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिव और एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि वहां पर 100% एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अपने को प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होगा, समझ में आ गए, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है। मान लीजिए अगर अपने को माइनर प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता तो उस समय ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता, क्योंकि 100% सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेजर और माइनर दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए क्या ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होता। तो यहाँ पर क्रेम्स रूल जब भी लग गया तो वहां पर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्योंकि, समझ में आ गए, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट ही बनेंगे। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपने पकड़े होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।